मैं कैंडी क्रश खेल रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है और ये मुझे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी करता है। डेली स्ट्रेस से कभी कभी रिफ्रेश होने के लिए खेल लेती हूँ, मूड अच्छा हो जाता है। क्या मैं सुबह से काम कर रही हूँ, अपना काम खत्म कर लिया है। एक छोटी सी गेम की ब्रेक तो बनती है ना। हाँ मुझे शूट भी करना है, लेकिन अगर मैं फ्रेश हुई तो शूट भी अच्छा जाएगा। मैं सिर्फ बहाने बना रही हूँ। आप और मैं दोनों जानते हैं कि मैं गेम खेलने के लिए बहाने बना रही हूँ और मुझे खेलते हुए 15 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। मैं इस गेम से एडिक्टेड हूँ। पहले मेरी ये आदत थी कि हर 25 मिनट्स के बाद मैं गेम खेल लेती थी और फिर मेरा पोमोडोरो टेक्निक ब्रेक खत्म हो जाता था। अब ये एडिक्शन बन गई है। आज के वीडियो का टॉपिक भी यही है, एडिक्शन से कैसे लड़ना है। मोटिवेट विद शची सेठ में आपका स्वागत है। नमस्ते, मैं हूँ शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। आज हम एडिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी हैबिट होती है जो कंट्रोल से बाहर चली जाती है। ये कोई बीमारी नहीं है, हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। एडिक्शन से छुटकारा पाने के लिए एक स्ट्रांग विल पावर की जरूरत है और उससे भी ज्यादा ये एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि हम एडिक्टेड हैं। हमें एक्सेप्ट करना होगा कि हमें सच में एडिक्शन है और हमें ये भी एक्सेप्ट करना होगा कि शॉर्ट टर्म एंटरटेनमेंट है, लेकिन इसके साथ लॉन्ग टर्म के नेगेटिव रिजल्ट्स भी जुड़े हुए हैं। इसलिए एक एडिक्शन को इग्नोर करने के बजाय उसका सामना करना चाहिए, उससे लड़ना चाहिए। सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है एडिक्शन के बारे में वो ड्रग एडिक्शन होती है, जो बहुत खतरनाक होती है। इसके अलावा और भी एडिक्शन है। इस कॉन्सेप्ट को हम एक वाइडर टर्म से टच करते हैं। चलिए एक छोटे लड़के और इस एडिक्शन की कहानी को आपके साथ शेयर करती हूँ। एक छोटा लड़का था जैक, उसको वीडियो गेम्स खेलना बहुत पसंद था। हर दिन स्कूल के बाद जैक अपने फेवरेट गेम्स खेलने के लिए घर जल्दी आ जाता था। वो गेम्स खेलने में इतना बिजी हो जाता कि अपना होमवर्क करना भूल जाता, अपना खाना स्किप कर देता और कभी कभी तो अपने दोस्तों को भी इग्नोर कर देता जब उसे बाहर खेलने के लिए कहते। जैक के पेरेंट्स उसके बारे में चिंतित होने लगे। उन्होंने नोटिस किया कि वो हमेशा थका हुआ और चिड़चिड़ा रहने लगा और उसके ग्रेड्स पर भी फर्क पड़ रहा था। वो उसे टोकते पर वो छुप छुप कर खेलने लगता। पेरेंट्स ने परेशान होकर उसे गुरु के पास एक हफ्ते के लिए छोड़ने का फैसला किया। गुरु जी ने उसे कहा कि उसे खाना, खेलना और बात करना तभी अलाउड होगा जब उसे दिए गए डेली टास्क को पूरा करेगा। गुरु जी उसे जंगल में ले गए और उसे पहला टास्क दिया कि वो घास उखाड़ के ले आए। जैक हंसा और बड़ी अकड़ के साथ उसने इजिली घास उखाड़ दी। अगले दिन गुरु जी ने उसे एक छोटा पौधा उखाड़ने को कहा। उसने जैसा कहा वैसा कर दिया। उसके बाद वाले दिन गुरुजी ने उसे एक झाड़ उखाड़ने को कहा। उसे मेहनत करनी पड़ी और वो काम पूरा कर पाया। आखिरी दिन गुरुजी चाहते थे कि एक जैक एक पूरी तरह से बड़े पेड़ को उखाड़ दे। जैक ने पेड़ को देखा और कहा, मैं तो कोशिश भी नहीं कर सकता, ये इतना बड़ा है, ये तो नामुमकिन है। गुरु ने उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखा और कहा, बिल्कुल सही कहा, ऐसे ही तुम्हारी एडिक्शन के साथ भी होता है। अगर तुम उन्हें बढ़ने दोगे तो उन्हें हटाना मुश्किल हो जाता है, वो एडिक्शन बन जाती है। जैक को समझ आ गया। उसके बाद से जैक अपनी फेवरेट गेम्स तो खेलता था पर उसने कम कर दिया। अपने दूसरे इंटरेस्ट और स्टडीज के लिए भी टाइम निकालने लगा। उसने सीखा कि गेम्स खेलना मजेदार है जब तक कि उसकी जिंदगी को काबू ना कर ले। हाँ, जैक एक बच्चा था और बच्चों को समझाना और मनाना आसान होता है, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हम एडिक्शन के बुरे असर को समझते तो हैं, लेकिन मानने को ही तैयार नहीं होते कि हम सच में एडिक्टेड हैं। तो एडिक्शन है क्या? एडिक्शन का मतलब है कि आप एक सर्टेन टास्क को बार 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 दोहराते हैं, चाहे वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है और उस पर कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हो। ये एक सिवियर और लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, जैसे कि ड्रग एडिक्शन, स्मोकिंग या गैम्बलिंग, या कुछ हल्की चीज जैसे कि इंटरनेट एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन। आप हैरान हो जाओगे, कुछ लोगों को पढ़ने की एडिक्शन है, वो फिक्शनल किताबें घंटों तक पढ़ते रहते हैं इम्पोर्टेंट काम छोड़कर। एडिक्शन सिंपल वर्ड्स में कुछ भी एक एक्सेस में करना होता है और हम सब एक पॉइंट पर कभी ना कभी किसी चीज से एडिक्टेड होते ही हैं। कुछ एडिक्शन सच में अजीब होते हैं। मेरी दादी को टीवी पर डेली सोप्स देखने की एडिक्शन थी। मेरे कजिन को देर रात तक अपने दोस्तों से बात करने की एडिक्शन थी। मैं एक टीनेजर से मिली थी जो अपने आईब्रोज प्लग करता था जब भी वो कुछ सोचता था। कितना स्कैरी है ये। और मानो या ना मानो,
मैं अपने मोबाइल पर कैंडी क्रश खेलने की एडिक्टेड हूँ, गिल्टी एज चार्ज्ड। और सबसे बुरा हिस्सा ये है कि हमारे पास अपने एडिक्शन को नॉर्मल समझने के लिए बेवजह के बहाने होते हैं। मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ, मुझे एक आउटलेट चाहिए, मैं फेल हो गई, मुझे डिस्ट्रैक्शन चाहिए, मैं मजा लेना चाहती हूँ, मेरी लाइफ बहुत बोरिंग है, ये लिस्ट एंडलेस है। और हमारे पास अपने एडिक्शन को जारी रखने के लिए हजारों बहाने होते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक मजबूत टूल होता है उस एडिक्शन से लड़ने के लिए, वो है आपका विल पावर। एक चुनौती, मैं खुद की लाइफ कंट्रोल अपने हाथों में रखूंगी, कोई भी दवाई, गैजेट या गेम मुझ पर काबू नहीं कर सकता। जब आप इस सोच को अपनाते हैं तो आप सही स्टेप्स लेके अपने एडिक्शन से फ्री हो जाते हैं। और मैं कुछ और स्ट्रैटेजीज लाई हूं जो आप अमल कर सकते हो और अपने एडिक्शन से लड़ सकते हो। याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रॉन्ग विल पावर। ये सब विल पावर से ही शुरू होता है। एक्नॉलेजमेंट, जब आप पहचान लेते हो कि हाँ मुझे एडिक्शन हो गई है और ये प्रॉब्लम बन सकती है, मुझे बदलने की जरूरत है, तो वो एक्सेप्टेंस ही आपका पहला और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अपने एडिक्शन को हम अगर एक्सेप्ट करेंगे तभी तो हम सही एक्शंस ले पाएंगे उसे छुटकारा पाने के लिए। सेट अ क्विट डेट। नेक्स्ट स्टेप ये है कि एक स्पेसिफिक डेट चुने अपना एडिक्शन को कम्प्लीटली छोड़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एडिक्शन है इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रोल करने का, तो डिसाइड करें कि आप किस दिन में इंस्टाग्राम में लॉग इन करना बंद कर देंगे और उस पर अटल रहें। फॉर एग्जाम्पल, आप वीकडेज पर खेलना बंद करने का फैसला कर सकते हैं और वीकेंड्स पे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। चेंज योर एनवायरमेंट। अपने आसपास के ट्रिगर्स को या कुछ ऐसी चीजें जो आपको इंड्यूस करती हैं आपके एडिक्शन को, उनसे छुटकारा पाने के लिए अपने एनवायरमेंट को चेंज कर दीजिए, ताकि आप एडिक्शन से हटने में अपने गोल को पूरा कर सके। जैसे अगर आपका एडिक्शन इंटरनेट से जुड़ा हुआ है तो वाईफाई बंद कर दें या अपने गैजेट्स को दूसरे कमरे में या खुद से दूर रखें। मेरी कैंडी क्रश के एडिक्शन के लिए मैंने अपने मोबाइल से एप्लीकेशन ही डिलीट कर दिया था। डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। आप खुद को और अपने दिमाग को बिजी रखोगे तो क्रेविंग्स अपने आप कम हो जाएंगी। ऐसी एक्टिविटीज में इंडल्ज होएं जो आप एंजॉय करते हैं या जिसमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, जैसे पढ़ना, पेंटिंग या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना। आप अपने फ्री टाइम में अपनी कोई हॉबी प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे आपका ध्यान आपके एडिक्शन से दूर हो जाएगा। ये कुछ भी हो सकता है, गार्डनिंग, कुकिंग, फोटोग्राफी। या आप अगर किसी चीज को लेके बहुत स्ट्रांगली फील करते हो, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो या सस्टेनेबिलिटी हो, तो उनके वॉलंटियर प्रोग्राम्स में शामिल होता। इससे आप डिस्ट्रैक्ट कर पाओगे खुद को। मुझे जब बहुत क्रेविंग होती है गेम खेलने की, तो मैं रीडिंग में अपना फोकस शिफ्ट कर देती हूँ। आपकी गो टू हॉबी क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। रिव्यू योर पास्ट अटेम्प्ट्स एट क्विटिंग। अगर आप एक बार अपनी एडिक्शन से सक्सेसफुली छुटकारा पा चुके हैं तो ग्रेट, वेल डन, कूडोस टू यू। तो पिछली बार से सीखें और पता लगाएं कि कौन सी स्ट्रैटेजीज है जो आपके लिए काम करती हैं और कौन सी नहीं। ये भी ध्यान रखें कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस, इमोशंस या लोग हैं जो आपके एडिक्शन को दोबारा ट्रिगर कर सकते हैं। उनसे दूरी बनाए रखें। जो आप खुद के लिए कर सकते हैं ना, वो और कोई नहीं कर सकता। इम्पोर्टेंट है कि आप खुद से प्यार करें, रिस्पेक्ट करें और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी लाइफ जिए। बिल्ड अ सपोर्टिव नेटवर्क। आपकी कंपनी, जैसे आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेशनशिप्स, इन सबका आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है। तो ऐसे लोगों की कंपनी में रहें जो आपको एनकरेज करते हैं और समझते हैं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। उतना ही इम्पोर्टेंट है उन लोगों से दूर रहना जो खुद एडिक्टेड है और डिनायल में है। रिफ्लेक्ट ऑन योर बिटर मेमोरीज। अपने एडिक्शन से जुड़ी नेगेटिव इम्पैक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस को याद करके आप अपने इरादे और मजबूत कर सकते हो। एक रिकैप आपके दिमाग में उन नेगेटिव एक्सपीरियंस का या इम्पैक्ट का जो आपके एडिक्शन से रिलेटेड है, जैसे कि इम्पोर्टेंट इवेंट्स मिस कर देना या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इग्नोर करना। हम तभी तो इग्नोर कर देते हैं थोड़े समय के एंटरटेनमेंट या मजे के लिए। बाद में जो गिल्ट होता है उसको याद करके आप अपनी एडिक्शन को कंट्रोल कर पाएंगे। एक्सेप्ट योर अर्जेस। चलो माना कि आपकी एडिक्शन दूर हो गई, आपने छुटकारा पा लिया, पर आपका बार बार मन करेगा वही काम करने का। इट्स ओके, इसीलिए तो उसे एडिक्शन कहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमने कहा इच्छा तुम चली जाओ और वो चली जाएगी। तो ठीक है ना, ये प्रोसेस का हिस्सा है। तभी तो स्ट्रॉन्ग विल पावर का टेस्ट होगा और इन छोटी छोटी अर्जेस से जीत कर ही हम अपनी एडिक्शन को कंट्रोल कर पाएंगे। सेल्फ केयर, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन या हॉबीज प्रैक्टिस करके हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। खुद का ख्याल रखें, अपनी छोटी छोटी जरूरतों को इम्पोर्टेंस दें। अच्छी डाइट, नींद और एक्सरसाइज पे भी फोकस करके आप अपनी सारी अर्जेस को अच्छी तरह कंट्रोल कर पाएंगे, मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग हो पाएंगे। लाइफस्टाइल चेंजेस।
हम किसी चीज से तब एडिक्टेड होते हैं जब हमें लगता है कि हमारी जिंदगी नॉर्मल नहीं है और चैलेंजेस और प्रॉब्लम से भरी हुई है। लेकिन मैं आज आपको एक बात क्लियरली बताना चाहती हूँ कि हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते ही हैं। किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है, आपकी थोड़ी ज्यादा इम्परफेक्ट होगी, इसीलिए आप एडिक्शन तक पहुंच गए। लेकिन टाइम आ गया है कि आप खुद अपने माइंडसेट को चेंज करके खुद की लाइफ को अपने कंट्रोल में करें, एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल फॉलो करें, हेल्दी लाइफ अपनाएं जिसमें एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट और स्केड्यूल स्लीप पैटर्न फॉलो करें जो आपके ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनल हेल्प, कभी कभी एक छोटा सा शब्द या कुछ मीठी बातें आपके दिल तक पहुंच जाती हैं और आप चेंज के लिए तैयार हो जाते हो। ऐसा हुआ तो बेस्ट है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अभी भी अपने एडिक्शन से जूझ रहे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें। ट्रेन साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर या डॉक्टर्स को जरूर अप्रोच करें। ऐसे प्रोग्राम्स है जैसे कि काउंसलिंग, थेरेपी या मेडिसिन जो एडिक्शन को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्लिनिकल टेक्निक्स जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी आपको हेल्प कर सकती हैं। इन सभी स्ट्रैटेजीज को यूज करके और डेडिकेटेड रहकर आप अपने आदतों पर अपनी डिपेंडेंस को धीरे धीरे कम कर सकते हैं और अपने टाइम और लाइफ पर काबू पा सकते हैं। पॉजिटिव रहिए, खुद पर विश्वास रखिए और यकीन रखिए कि बहुत से लोग हैं जो एडिक्शन से छुटकारा पा चुके हैं, तो आप भी आराम से पा सकते हैं क्योंकि आप में भी है कुछ खास। आप भी उतने स्पेशल और यूनिक हो, आप कर सकते हो। मुझे सच में उम्मीद है कि मेरा एडिक्शन पर अप्रोच आपकी लाइफ में चेंजेस लाने में हेल्प करेगा। अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया तो थम्स अप आइकन जरूर क्लिक करें। सेल्फ ग्रोथ के और वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें। आपका आज का दिन बहुत ही शुभ हो। गुड बाय, गॉड ब्लेस।